जय हिंद दोस्तों, मैं आज के लिए फिर से आपकी एक नई क्लास जो कि हिमाचल प्रदेश के लोकगीत। तो हिमाचल प्रदेश के लोकगीत की जो क्लास है वो मैं लेकर आ गया हूं और हम फिर से लोकगीत से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो हम शुरुआत भी करेंगे और एमसीक्यूज भी लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप सबने एमसीक्यूज जो है वो साथ टू साथ जो है आंसर सोचने हैं और जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये क्वेश्चंस के आंसर आते हैं कि नहीं आए। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि चंबा का लोक गीत में जो सबसे फेमस है वो है फुलमू रांझू। कौन सा है जी? फुलमू रांझू जो है ना ये बहुत ज्यादा फेमस है। कुंजू चैंचलो ये प्रेम गीत है जी, और राजा गद्दण, ठीक है जी, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है ना। ठीक है, और राजा संसार चंद पर है ये इसमें। ठीक है जी, किस पर है? राजा संसार चंद पर है। एक और है कुंजरी मल्हार, जो कि मिंजर की शुरुआत में ये गाया जाने वाला गीत है। ये याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा होगा कि मिंजर के शुरुआत में कौन सा गीत जो है पारंपरिक गीत जो है वो गाया जाता है, तो कुंजरी मल्हार जो है वो गाया जाता है। ऐसे भुक्कू और गद्दी, भुक्कू और गद्दी का गीत भी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, लच्छी नुआड़ा है, नुआड़ा जो है जो शिव की पूजा से जुड़ा हुआ है। एंचलिया कन्या विवाह से है, जो कि एक माह पूर्व राम शिव विवाह के प्रसंगों के लिए की जाती है। एक सूही गीत है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि चंबा की रानी के बलिदान को याद करते हुए सूही गीत और सूही मेला भी लगता है, जो कि चैत्र महीने में के अंतिम रात्रि को जो है रानी के बलिदान के लिए जो है सुकरात मनाया जाता है। को क्या मनाया जाता है बच्चों? सुकरात मनाया जाता है। ये सुकरात किससे जुड़ा है? सूही से, याद रखिएगा, सूही मेले से ही जुड़ा है। रात्रि के दिन जो है ये मनाया गाया जाता है सुकरात। और कहां के हैं ये सभी के सभी? चंबा जिले से जुड़े हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कांगड़ा। कांगड़ा में है हरि सिंह राज्या, जो कि नूरपुर दे खतरेड़िए और सुलिया टंगोई गई मेरी जान, ठीक है, घोड़ी, ये विवाह में गाया जाता है, घोड़ियां गाई जाती हैं, बोलियां टाइप है ये। एक प्रकार से ऊना में भी बोलियां गाई जाती हैं, उसी प्रकार से जो है घोड़ी है। ठीक है जी, और मंडी में निर्मंडा सीए बामणिये मणि रामा पटवारिया न मन्या ओ हंसा, तो ये लोकगीत हैं वहां के। बिलासपुर में आता है मोहना गंभरी बोला और झुयुटी। इसी प्रकार से शिमला और सिरमौर का लाहमणा झूरी नाटी और हार, तो ये लोकगीत रहेंगे। और कुल्लू का रहेगा लामणा भोरू बामण, और किन्नौर में रहेगा टिप्सी और बाठनी, तो ये वहां के लोकगीत हैं, ये भी याद रखने हैं आपको। इसी प्रकार से ये वन लाइनर है, ये भी आप याद कर सकते हैं साथ टू साथ। जैसे कि कुंजरी मल्हार लोकगीत कहां से संबंधित है? चंबा, अभी मैंने पढ़ाया वही फिर से वन लाइनर में। कुल्लू का लोक नृत्य क्या है? कथड़ी। लोकगीत गंगी, गंगी कहां का है? बिलासपुर, गंगी पानी हो। ऐसे ही शिमला का क्या है? बिशु धाटी नाटी हार और थाली। इसी प्रकार से महासू याद रख लेना कि 1948 में सबसे बड़ा जो है ये रियासत थी। ठीक है जी, पहले जब आजादी से जब हुआ था, हमारा गठन हुआ था, तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? महासू ही थी। ठीक है जी, तो वहां का लोक नृत्य क्या है? छोहारा। क्या है? छोहारा। चंबा का लोक नृत्य क्या है? ये सभी चंबा के इकट्ठे मैंने लिखवा दिए हैं।
आपके लिए वन लाइनर, अगर आप वन लाइनर के उत्सुक हैं तो वो भी आप याद रख सकते हैं। झांझर, डांगी, फुलाना, घरेई, नृत्य, ये सभी हैं। लाहौल के क्या आ गए आपके, बाल्टी यानी कि द्रांग उत्सव में जो है पुत्र चो के लिए किया जाता है, पुत्र इच्छुकों के लिए होगा ये शायद, बच्चों के लिए, ठीक है जी। ऐसे झूरी लोक नृत्य है जो कि शिमला का है। डोडा नृत्य है, ये अस्त्र शस्त्र के साथ किया जाता है, इसको धनुष बाण बोलते हैं, ठीक है जी। रण सिंधिया का है, आकार जैसा, ये एस आकार जैसा है। रण सिंधिया किस आकार का होता है, ये एस आकार का है। रण सिंधिया, करतार, नफीरा, दामा, ये क्या है, वाद्य यंत्र है। क्या है ये, वाद्य यंत्र है बजाने के लिए। ये वाद्य यंत्र भी आपको रखने हैं एस आकार में अलग से, ये मैंने बता दिया रण सिंधिया। सेन नृत्य कहां का है, पांगी का है। कहां का है, पांगी का है। लोक नृत्य, लोक गीत, लोक नाटक और वाद्य यंत्र भी हमें याद रखने चाहिए, तो इन वाद्य यंत्रों को भी याद रखिएगा। पहला सवाल है आप सभी का, आप अपना आंसर जो है वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। पहला सवाल, अपना आंसर जो है वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। गंगी लोक गीत जो है हिमाचल के किस क्षेत्र से जुड़ा है, सभी आंसर करिएगा। गंगी कहां से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है जो कि चंबा, कुल्लू, बिलासपुर और सिरमौर, कहां से दिया है, ये जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिएगा। सभी आंसर कमेंट करिएगा, गंगी कहां का लोक नृत्य है, तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है बिलासपुर, बी ऑप्शन। अभी मैंने आपको बताया था बी ऑप्शन। सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास जो भी हमारे लगा रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप साथ साथ में आंसर दें, बी ऑप्शन बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सूलियां टंगोई गई मेरी जान लोक गीत गाया जाता है। सूलियां टंगोई गई मेरी जान कहां का है, कांगड़ा, सिरमौर, ऊना या सोलन। सभी अपना आंसर जो है वो मैसेज करें या कमेंट करें, व्हाट्सएप पर डालें, कहीं ना कहीं पे डालें भैया, और प्रैक्टिस करें कमेंट करके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, कांगड़ा। कांगड़ा जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। सूढ़िया चटंगोई गई मेरी जान, ये कांगड़ा का लोकगीत है। अगला है सुकरात गीत जो कि चंबा की रानी के बलिदान के लिए गाया जाता है, तो वो चंबा की रानी कौन थी, तो बताएं कि चंबा की वो किस रानी के बलिदान के लिए जो है ये वर्णन किया गया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ए बी सी डी, मैं ही ऑप्शन का आंसर दें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सभी के आंसर जी, आंसर साथ साथ में करिएगा। सुकरात जो है तो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है, सूही, जिनके याद में सूही मेला लगता है, ये चंबा की रानी थी, इन्होंने बलिदान दिया था अपना, तो इसलिए सुकरात गीत गाया जाता है, सूही मेला इनकी याद में मनाया जाता है, और रानी का नाम था नैना देवी। क्या नाम था, नैना देवी। अगला सवाल, मोहना, मोहना लोक गीत हिमाचल के किस जिले से संबंधित है। मैंने अभी बताया है मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा या ऊना। सभी अपना आंसर दे सकते हैं, अपना आंसर मैच कर सकते हैं, कमेंट सोचिए, मन में सोचो बच्चों कि हमें आंसर देना है, तो फिर आंसर और क्लास जो है वो अच्छे से सफर होगी। करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, बिलासपुर। सी ऑप्शन बिलासपुर इसका सही आंसर रहेगा। अगला है बाठना किस जिले का लोक नाटक है। बाठना जो है कौन से जिले का लोक नाटक है, बाठना। आंसर कमेंट करें, सिरमौर, मंडी, चंबा या बिलासपुर। बाठना, समय समाप्त। करेक्ट आंसर है मंडी। कहां का है जी, मंडी का है। अगला सवाल, कुंजू चैंचलो किस स्थान का प्रेमी युगल था, यानी कि प्रेमी जोड़ा था, कांगड़ा का, शिमला का, लाहौल का या चंबा का। तो सही आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा आपका डी ऑप्शन, चंबा। डी ऑप्शन
चंबा जो है वो इसका कुंजू चंचलो का जो है बहुत ज्यादा प्रसंग फेमस है, आप इसे देखें और इसको पढ़ें, याद रखें। शान और शाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में पूछे गया हुआ क्वेश्चन, लोक नृत्य है, ये किसे समर्पित है? देवी दुर्गा, भगवान शिव, भगवान बुद्ध, या इनमें से कोई नहीं? सभी बताएं, शान और शाबू लोक नृत्य जो है ये समर्पित किसे है प्यारे बच्चों? सभी आंसर कमेंट करिएगा, वीडियो को भी साथ साथ में शेयर भी करें और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी सुजेस्ट करें क्लास को लगाने के लिए भी। सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, भगवान शिव के साथ जा रहे हैं, और मगर इसका करेक्ट आंसर रहेगा भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध जो है बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा, भगवान बुद्ध जो है वो सही आंसर। अगला सवाल, शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में बिरसू गीत किस देवता की स्तुति में जो है, बिरसू ठीक है, किसके लिए गाया जाता है? बाणासुर, नाग देवता, महासु देवता या नरसिंह देवता? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं सभी के सभी, किस देवता की याद में जो है ये गाया जाता है, श्रुति है इसकी। तो करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, महासु। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया नेहा जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, गंभरी, गंभरी जो लोक गीत है ये किस जिले से संबंधित है? गंभरी लोक गीत किस जिले से संबंधित है? बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी या ऊना? गंभरी, तो ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं और बिल्कुल सही, बिलासपुर। बिलासपुर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है लामण, लामण जो लोक गीत है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में जो है लोक गीत से या लोक नृत्य या नाटक से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इसी प्रकार से ये इसके आंसर ध्यान रखने हैं। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, सी ऑप्शन कुल्लू, कुल्लू इसका सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महात्मा बुद्ध की याद में किया जाता है? वाक्यांग, जापरो, बांगछू या छांद? सभी आंसर कर सकते हैं कमेंट। तो समय समाप्त, करेक्ट आंसर देख लेते हैं डी ऑप्शन, छांद। जो छांद है ये महात्मा बुद्ध की याद में नृत्य है, ठीक है जी। नेक्स्ट है लोक नृत्य में ही बुढ़ा लोक नृत्य है, ये नृत्य याद रखिए, गीत अलग होते हैं, नृत्य अलग होते हैं, नाटक अलग होते हैं प्यारे बच्चों। तो चंबा का है, लाहौल स्पीति का है, कुल्लू या सिरमौर? आंसर कमेंट करें। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, वो है डी ऑप्शन सिरमौर, डी ऑप्शन सिरमौर इसका सही आंसर है। दानव नृत्य, अभी मैंने बताया था ये इसके बारे में, किस हिमाचल के किस क्षेत्र से मुख्यतः जुड़ा हुआ है? चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति या कुल्लू? सभी आंसर कमेंट करिएगा। दानव नृत्य, समय समाप्त, करेक्ट आंसर इज लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति से जो है वो ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आ गया डांगी और डेप लोक नृत्य है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? छतराड़ी, रायगढ़, बंगाणा या पांगणा? डांगी और डेप पक, समय समाप्त, करेक्ट आंसर इज छतराड़ी, जो कि चंबा में है। कहां पे आइए, चंबा में है, छतराड़ी जगह, ठीक है जी। अगला है झांझर किस जिले का जो है वो प्रसिद्ध नृत्य है? चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा? झांझर, आंसर साथ साथ में कमेंट करते रहिएगा। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, चंबा।
अगला है उजक, उजक जामा किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है? उजक जामा किन्नौर, कुल्लू, सिरमौर या लाहौल स्पीति? सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, देख लेते हैं। बिल्कुल सही जी, नेहा जी का आपका आंसर सही है, सी ऑप्शन कुल्लू। अगला है हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध छोहरा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बिलासपुर, कांगड़ा, महासू, ऊना? सभी आंसर कमेंट करते रहिए, इसी प्रकार से प्रैक्टिस होगी, सभी आंसर दीजिएगा, नोट करिएगा इन क्वेश्चंस को भी। छोहरा नृत्य जो है ये कहां से है, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, बी ऑप्शन महासू, कहां का है? महासू। नेक्स्ट आता है क्यांग क्या है, क्यांग क्या है? नृत्य है, मेला है, लाहौल स्पीति की जनजाति है या तिब्बती याक है? सभी अपना आंसर कमेंट करिएगा, क्यांग क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा, और आने वाला है क्यांग क्या है, तो सही आंसर देख लेते हैं, वो है नृत्य। क्या है? नृत्य है ये भी। कथड़ी कहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कथड़ी जो है कहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अगर लोक नृत्य से आए तो मैं आपको कह दूं कि अगर आपने ये मेरी क्लासेस लगाई हैं, अगर नहीं लगाई हैं तो प्रीवियस सारी क्लासेस लगाइए, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि टोटल पूरा हिमाचल का हमने कंप्लीट जीके उठा रहे हैं, मंडी, कुल्लू, चंबा और सिरमौर। तो टाइम इज क्लोज्ड, सी ऑप्शन कथड़ी कहां का है, कुल्लू का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राक्षस नृत्य फिर से आ गया है, किस जिले से संबंधित है? राक्षस, पहले दानव था अब राक्षस है। कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर या लाहौल स्पीति? तो करेक्ट आंसर इज डी, लाहौल स्पीति, जो कि पहले भी आंसर यही था दानव, और अब फिर से लाहौल स्पीति था। ये थे हमारे हिमाचल जीके के क्वेश्चंस, तो आपको आई होप कि आपको अच्छे से लगे होंगे और सभी को क्लियर हुए होंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, कल नए टॉपिक के साथ हिमाचल के मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।